नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII द्वारा संकलित एक रोचक एवं मनोरंजक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत महाराष्ट्र के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। आज इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 3.4 कक्षा 3 के पाठ संख्या मुंबई छोटा भारत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से इस पाठ में इस नवाचार को संकलित करके हम कक्षा में किस प्रकार से क्रियान्वयन करेंगे, इस बात को भी विस्तार से जानेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वो 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो आप इसके अनुसार समय को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इस नवाचार का, थीम आधारित उपस्थिति का क्या उपयोगिता है एवं क्या इसमें नवीनता है, इस बात को हम सबसे पहले जान लेते हैं। विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय पाठ में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करके अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर उन शब्दों को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे एवं कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को दीर्घ काल तक याद करने में भी सहायता मिलती है। तो यह थी इस नवाचार की नवीनता। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की थीम क्या है। इस नवाचार की जो थीम है इस पाठ के लिए वह है संज्ञा, और विद्यार्थियों के द्वारा पाठ में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का प्रयोग करके उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ निर्देश देंगे, जैसे कि उनको जो उत्तर है वो धैर्य पूर्वक देना है, अपने अनुक्रमांक के स्थान पर या नाम के स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है एवं उपस्थिति दर्ज करानी है। साथ ही साथ सभी बच्चों को अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी रखनी होगी उत्तर देते समय, तो इन चीजों का विशेष निर्देश देना है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ पढ़ा जा चुका हो, इस बात को भी सुनिश्चित करें। तो एक उदाहरण से भी इस प्रक्रिया को हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अनुक्रमांक के स्थान पर संज्ञा शब्दों का उपयोग करेंगे। मान के चलते हैं कि जैसे ही शिक्षक अनुक्रमांक एक दोहराता है या बच्चों के नाम से भी उपस्थिति दर्ज कराता है, तो जैसे ही शिक्षक अनुक्रमांक एक का उच्चारण करेंगे, अनुक्रमांक एक का जो विद्यार्थी है वो अपनी जगह पर खड़े होकर एक शब्द का प्रयोग करेंगे जो कि संज्ञा होगी और उस पाठ से होगी, जैसे कमला नेहरू पार्क। एक उदाहरण के तौर पर स्टूडेंट विद्यार्थी इस शब्द का प्रयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा एवं अपनी जगह पर जाके बैठ जाएगा। इसी प्रकार अनुक्रमांक दो मुंबई नाम लेगा। इसी प्रकार से आगे सभी अनुक्रमांक के विद्यार्थी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे इस पाठ में प्रयुक्त, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें कई सारी चीजों को प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसे कि पुनराभ्यास भी हो रहा है पढ़ाए हुए पाठ का, साथ ही साथ उनको दीर्घ काल तक याद करने में भी सहायता मिलती है एवं सभी विद्यार्थियों में एक जो नीरसता रहती है उपस्थिति के दौरान, वह भी कहीं ना कहीं उत्सुकता एवं मनोरंजकता में परिवर्तित हो जाती है। तो इस बातों का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि इस पाठ की जो कॉन्सेप्ट या थीम हमने रखी थी वो संज्ञा थी, इसीलिए इसमें संज्ञा के शब्दों का ही प्रयोग विद्यार्थी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के मनोरंजक एवं नवाचारी वीडियो आप तो को मिलते रहें और आपसे जुड़े शिक्षक साथी भी इसका लाभ उठाएं। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देख पाएं एवं अपनी अपनी कक्षा में इस नवाचार को क्रियान्वयन जरूर कर पाएं। इसी के साथ मैं आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।